नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति जैन आप सभी का अनुष्का एकेडमी में स्वागत करती हूं। अनुष्का परिवार उम्मीद करता है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। अध्ययन तथा परीक्षा की इस कड़ी में राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए नई आशा की किरण बनकर आई है PSI, यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। दोस्तों, हर विद्यार्थी का सपना होता है कि वह अपने देश की सेवा करें, बदन पर वर्दी धारण करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, कंधों पर तारे सितारे चमकाएं। तो जो युवा अपना करियर पुलिस भर्ती के रूप में देखते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। सुनहरा अवसर है कि वह अपने सपनों को पंख देकर आसमान की बुलंदियों को छू लें। तो फिर इंतजार किस बात का दोस्तों? वैसे भी कहते हैं ना, जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। वैसे भी कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए दोस्तों, PSI की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यह जो SI का एग्जाम होता है, हमारे लिए वर्दी की जंग की तरह होता है। इस जंग को जीतने के लिए अनुष्का परिवार आपके साथ में तत्पर खड़ा है। इस जंग के लिए तीन बातें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहला होता है आयु सीमा, दूसरा होता है शैक्षणिक योग्यता और तीसरा होता है शारीरिक मापन परीक्षण और शारीरिक परीक्षा का विवरण। दोस्तों, हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं आयु सीमा पर। आयु सीमा के बारे में दोस्तों बता दूं कि इसमें कम से कम 20 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अधिक से अधिक जो आयु होनी चाहिए वह होती है 25 वर्ष, यानी कि कम से कम 20 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष। इसमें जो छूट दी गई है उस पर बात करते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। दोस्तों, ध्यान देना कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनको तो 5 वर्ष की छूट है और जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर 10 वर्ष की छूट दी गई है। फिर सामान्य वर्ग की महिलाएं यानी जनरल जो फीमेल है वो, और राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS की महिलाएं हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसी कड़ी में आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी कि किसी भी फॉर्म को जब हम फिल करते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, हमें इस बात की जानकारी होना आवश्यक है। SI का फॉर्म फिल करने के लिए स्नातक होना आवश्यक है। अब यह कोई जरूरी नहीं है कि आपने स्नातक कौन से विश्वविद्यालय से किया है, बस आपका स्नातक होना आवश्यक होता है। लेकिन जो विद्यार्थी BA, BBA, BCom, BSc आदि के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वह भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उससे पहले आपका रिजल्ट आना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी कड़ी में आगे देखते हैं शारीरिक मापदंड, यानी आपके शारीरिक बनावट, आपकी ऊंचाई लंबाई जो कुछ भी है वह क्या क्या होनी चाहिए, इन सब से रिलेटेड बात करते हैं। शारीरिक मापदंड में जो पुरुष वर्ग है उनके लिए विवरण इस प्रकार है, उनकी जो लंबाई है, उनकी जो ऊंचाई है वह 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना। और फिर सीना, आगे हम बात करते हैं छाती की, तो छाती को फुलाए
जब वह छाती फुलाएगा तो वो उसकी कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर, और जब बिना छाती फुलाए 81 सेंटीमीटर, और छाती फुलाकर 86 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। लंबाई पुरुषों की होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, छाती जो होती है बिना छाती फुलाए 81, और छाती फुलाकर 86 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसी कड़ी में हम जब बात करते हैं पहाड़ी और जनजाति क्षेत्र के जो कैंडिडेट्स हैं, पहाड़ी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी बात करेंगे, इनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, और जब छाती फुलाकर देखा जाए तो 84 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसी मापदंड में हम बात करते हैं महिलाओं की, महिलाओं की जो लंबाई है वह होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, उनका जो वजन है वह होना चाहिए 47.5 किलोग्राम। दोस्तों यहाँ ध्यान देना, पुरुषों के लिए सीने का मापदंड रखा गया है और महिलाओं के लिए सीने का कोई मापदंड नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मापदंड का अंक निर्धारण, देखिए दोस्तों हम मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, इसमें जो 100 मीटर रेस होती है, अगर आप इस रेस को 14 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो आपको 40 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर इसी रेस को आप 1 सेकंड और ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो फिर आपको 25 नंबर मिलते हैं, और 16 सेकंड में पूरा करते हैं तो 15 नंबर आपको मिलते हैं। दोस्तों 100 मीटर की रेस होती है, अगर आप 14 सेकंड में कर लेते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन 1 सेकंड भी अगर आप ज़्यादा लगाते हैं तो फिर आपके नंबर वहाँ पर कम हो जाते हैं, फिर 1 सेकंड और ज़्यादा होते ही आपके नंबर और कम हो जाएंगे। 16 सेकंड से अगर आप ज़्यादा इसमें समय लेते हैं तो फिर आपका इसमें 0 नंबर माना जाता है। इसी में बात करते हैं लॉन्ग जंप की, यह 15 फीट या फिर उससे अधिक तो इसमें नंबर मिलता है 30, अगर आप 14 फीट की लगाते हैं तो 20 नंबर मिलेंगे, 13 फीट लगाते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे। याद रखिएगा दोस्तों जो लॉन्ग जंप होता है इसमें आपको 15 फीट तो लगाना ही है, उससे ज़्यादा भी लगाते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 30, लेकिन अगर 1 फीट भी आप कम लॉन्ग जंप करते हैं तो फिर आपको 20 नंबर मिलेंगे, यानी डायरेक्ट आपके 10 नंबर यहाँ पर कम हो जाते हैं, फिर 1 फीट और कम होता है तो डायरेक्ट वापस 10 नंबर और कम हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो टारगेट है वह पूरा हो। वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते रहें, अधिक से अधिक शेयर करना नहीं भूलें। इसी में जब हम बात करते हैं 13 फीट से जब नीचे वाला होता है लॉन्ग जंप नहीं हो पाता है तो फिर 0 नंबर होता है। फिर चिनिंग अप की बात करते हैं, चिनिंग अप में 7 जब आप हेल्व्स करते हैं तो 30 नंबर मिलते हैं, 6 करने पर 20, 5 करने पर 10, और इससे नीचे होने पर आपका वह मान्य नहीं होता है। फिर एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस होती है, 100 मीटर रेस होगी, 17 सेकंड करने पर 40 नंबर, 18 करने पर 25 नंबर, 19 करने पर 15, और उससे जब कम हो जाता है तो फिर वही कोई नंबर नहीं है। लॉन्ग जंप में 13 फीट और उससे ज़्यादा करने पर 30 नंबर, 12 फीट करने पर 20 नंबर, 11 फीट करने पर 10 नंबर, उससे कम होने पर कोई नंबर नहीं है। चेनिंग अप इसमें 5 टाइम 30, 4, 20, 3, 10 और उससे कम होने पर कोई नंबर नहीं है। इसी में बात करते हैं महिलाओं की, जब हम महिलाओं की यहाँ पर बात करेंगे तो महिलाओं के लिए भी यहाँ पर 100 मीटर रेस है, इसमें 17 सेकंड में 100 मीटर रेस पूरी करने पर 40 नंबर, 18, 25, 19, 15 और उससे कम होने पर 0 नंबर। लॉन्ग जंप
10 फीट और उससे अधिक 30 नंबर, 9 होने पर 20, 8 फीट होने पर 10 और कम होने पर 0, पुटिंग इन शॉर्ट। अब यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि पुरुषों के लिए चिनिंग अप है और महिलाओं के लिए यहाँ पर पुटिंग इन शॉर्ट है, तो ऐसा नहीं कि पहले ये बताया था अब ये है। आप ध्यान रखना कि महिलाओं के लिए चिनिंग अप नहीं है, इनके लिए पुटिंग इन शॉर्ट है। इसमें 16 फीट होने पर 30 नंबर, 15 फीट होने पर 20, 14 फीट होने पर 10। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि बच्चे अक्सर करके ये सवाल पूछते हैं कि क्या राजस्थान एसआई में भी नकारात्मक अंकन होता है। नकारात्मक अंकन होता है यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 के हिसाब से इसमें नेगेटिव मार्क किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं सिलेबस की। इसमें दोस्तों दो पेपर होते हैं, एक तो होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है वो होता है जनरल हिंदी का, 2 घंटे का पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर है, आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न कितने अंक का होगा, 2 नंबर का होगा। ठीक इसी तरह से जो सेकंड पेपर होता है जीके का होता है, 2 घंटे का होता है और यह भी 200 नंबर का होता है, सेम प्रोसेस है दोनों में। अब हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि हिंदी में व्याकरणिक दृष्टि से पढ़ना आवश्यक होता है, उसमें हिंदी और जीके दोनों का बराबर वेटेज है, किसी भी इसमें दोनों सब्जेक्ट को बराबर तोला गया है, तो हम किसी एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और दूसरे को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें दोनों सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना पड़ेगा। जीके तो वैसे भी अथाह होता है, इसमें पोल साइंस, इको, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट को अलग अलग क्लासिफाइड करके हमको पढ़ना पड़ेगा और यह करने के लिए आपको अनुष्का परिवार से जुड़ना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अधिक से अधिक एसआई की जानकारी मिली होगी और आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।